इस वक्त मैं कौवा झिरमाल गांव में हूँ और यहाँ पर मैंने एक समस्या वीडियो बनाया था जो लाइट की समस्या के ऊपर। तो जो बदलाव आया है इसके लिए मैं रेखा बाई के घर आई हूँ कि यह बदलाव कैसे आया है। आइए जानते हैं रेखा बाई से बदलाव के बारे में। पहले क्या समस्या थे दीदी और फिर कैसे बदलाव आया? हम लोग अब सुधरवा लिए, लाइट को बहुत तेज था तो सब लाइट टीवी पंखा सब खराब हो गया। अब सुधरवा लिए, लाइट भी सही आ गया। तो आप लोगों ने क्या किया था तब ये लाइट बनी है? हमने भी सरोज परस्ते को बताया, उन्हें फिर वीडियो बना के ऊपर भेजा, इसलिए फिर वो सुधार हुआ, फिर लाइट सही बन गया। मदद किए हैं इस समस्या को हल करने में, उनको आप क्या कहना चाहती हैं? सरोज दीदी को और सभी अधिकारी को बहुत बहुत धन्यवाद, हमारा लाइट सही हो गया। दीदी यहाँ जो लाइट की समस्या थी तो उसको लेकर आप लोगों ने क्या किए तब ये समस्या हल हुआ है? हम लोग सरोज दीदी से वीडियो बनवाए थे, उन्होंने फिर अधिकारों को वीडियो भेजा था, हमारे यहाँ की लाइट बन गए। लालमैन आए थे तो बना के चले गए, टीवी पंखा भी खराब हो गए रहे तब बनवा लिया। लान लेन देखा था, लड़का बच्चा सब देखा थे, अब उजला रहा थे, अब लाइट गोल नहीं हुए। सरोज दीदी को और अधिकारों को हम धन्यवाद बोलना चाहते हैं। इस समस्या के बारे में आपको कैसे पता चला? हाँ, मैंने वीडियो देखा था और हम सामुदायिक संवाददाता सरोज परस्ते वर्तमान में जनपद सदस्य हैं, वो उन्होंने हम तक जानकारी पहुंचाई थी। मैंने वीडियो देखा और वहाँ की जो समस्याएं हैं, परेशानी हैं, अंधेरे में लोग रह रहे हैं, गांव की यानी छोटे छोटे घर हैं, किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या आके अचानक लग जाती है और लाइट ना रहने के कारण तो और भी गंभीर समस्याएं आ सकती है। तो मैंने ये सारी चीज़ देख के विद्युत विभाग के SDO को बुलाया अपने चैम्बर में और उन्हें ये सारी चीज़ों से अवगत कराया। जो गांव की परेशानी थी वो हल हो चुकी है, अभी कोई दिक्कत नहीं है। मैं हमारी सरोज परस्ती को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। कौवा झिरमाल में 12/10/2023 को अधिक वोल्टेज से 45 घरों का टीवी पंखा खराब हो चुके थे, जिससे लाइट चालू करने के लिए लोग डरते थे और अंधेला में रहते थे। हमने लाइनमैन और विद्युत विभाग के अधिकारी को फ़ोन किया, समस्या बताया, उनसे हमें आश्वासन भी मिला लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। तब हमने जनपद अध्यक्ष महोदया जी को फ़ोन पर जानकारी दिया कि दशहरा का समय है, लोग लाइट चालू करने के लिए डरते हैं, समुदाय के लोग मेरे पास आते हैं क्योंकि मैं एक जनप्रतिनिधि हूं, इसलिए आप अधिकारी से बात करें और अति शीघ्र लाइट बनवाने की कष्ट करें। तब अध्यक्ष महोदया द्वारा तत्काल एक्शन लिया गया जिससे आज की स्थिति में लाइट बन गया है, जिससे 45 घरों के 230 लोगों को इसका फायदा हुआ है। मैं सरोज परस्ते ग्राम कौवा झिरमाल विकास खंड सहपुरा जिला डिंडौरी मध्य प्रदेश से इंडिया अनहर्ट के लिए।